नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लीली। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख मिलता है। संसार का हर प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने ही अनुकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव के कल्याण हेतु सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय बताए जाते हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ और सुगम उपाय है। आज हम आपको हिंदुओं के महत्वपूर्ण व्रत एकादशी के बारे में जानकारी देंगे। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का भारतीय सनातन संप्रदाय में बहुत महत्व है। सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी व्रत का पूरा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि और नियमों के बारे में। नारद पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। व्रत रखने के इच्छुक व्यक्ति को मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी से आरंभ कर पूरे वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से पवित्र होना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारायण करें। और अब हम आपको बताएंगे एकादशी से मिलने वाले फल के बारे में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाला संसार की मोह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाता है। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जातक को जीवन में धन, यश, आरोग्य, पारिवारिक सुख, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में वह विष्णु लोक को जाता है। उसके पितृ भीतर जाते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है और इसीलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और परम फलदायक है। जिस प्रकार शरीर को किसी बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टरीय सलाह की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे आंतरिक चेतना और विचारों की संयमता के लिए यम नियम की आवश्यकता होती है, जिसे बनाए रखने के लिए व्रत काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।